आज सुबह हम जलंधर से निकले थे और फिर हम हरिकेपट्टन विज़िट करते हुए अभी हमने अटारी बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखी है और एक बहुत ही अलग फीलिंग है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत जोश भी था। और अटारी आते आते हम इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल बगल से निकल रहे थे और वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी कि जैसे आपके बगल में पाकिस्तान है, आप जैसे बिल्कुल जाकर उसको छू सकते हो लेकिन बिल्कुल छू नहीं पाते हो, क्रॉस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम ही इंसानों ने एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज़ बना दी हैं। कल हम करतारपुर कॉरिडोर जाने वाले हैं और वो एक बहुत अलग फीलिंग मन में आ रही है कि जैसे मैं कल जाऊँगा, एक गुरुद्वारा ही है बट क्योंकि वो पाकिस्तान में है, क्योंकि वो नानक जी जहाँ पे नानक जी ने अपने आखिरी दिन बिताए, वो एक ऐसी जगह है जो दिल में एकदम एक अलग फीलिंग पैदा कर रही है। अभी हम अभी अटारी बॉर्डर पे ही हैं और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जस्ट अभी ख़त्म हुई है। बीटिंग रिट्रीट जब हम देख रहे थे दोनों देशों की तरफ से बहुत जोश उमंग और इतनी एनर्जी थी बिल्कुल हवा में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धा भी दिखती है कि वो और हम एक दूसरे से ऊंची आवाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम बॉर्डर के उस पार जाने वाले हैं करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू, और आज वाघा बॉर्डर का ये सेरेमनी देख के एकदम एनर्जाइज्ड फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम कल इधर डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा भी देखने वाले हैं और पाकिस्तान जहाँ पे गुरु नानक जी ने अपने 18 साल गुजारे वो भी हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। आज के एटमोसफेयर को देख के बस यही लगता है कि कल का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कल हम जब उस गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी साथ जुड़ के नहीं देख पाते हैं, और ये कॉरिडोर उसी का एक एग्जांपल है कि वी वांट टू बी पीसफुल, वी वांट टू बी वन। और जब मेरा एक कदम हिंदुस्तान में होगा और मेरा दूसरा कदम पाकिस्तान में होगा उसी मोमेंट पर, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं वहाँ पे, क्या सोचा जाता है हमारे बारे में, वो सब कल हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं एंड आई एम श्योर इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं अपने होटल से करतारपुर कॉरिडोर के लिए, और लगभग हमें 1 घंटा शायद यहाँ से जाने में लगेगा। और हम सीधा फिर पहुँचेंगे डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में। काफ़ी ठंड है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और काफ़ी फॉग हो रही है, 7 o'clock हो रहे हैं अभी। और ये देखो अभी हमने थोड़ी देर हीटर चलाया जिससे कि फॉग हट जाए एंड बाहर एकदम सुहाना मौसम है। सो वी आर रेडी फॉर द ट्रिप एंड वी आर रेडी फॉर द एडवेंचर।
मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सूरज बहुत अच्छे से निकल चुका है। हम जब अपने घर से निकले थे तो काफ़ी धुंध थी, थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था कई कई जगह पे, लेकिन अब जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एकदम धूप खिली हुई है। हेलो, मैं हूँ विवेक और मेरे साथ है पायल। पायल ड्राइविंग कर रही है और मैंने कमान संभाली है वीडियो बनाने की। अभी हम डेरा बाबा नानक से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर हैं। हम सुबह घर से निकले थे तो थोड़ा दूर हमने स्टे लिया हुआ था, अमृतसर से थोड़ा सा बाहर निकल के, लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा था। रास्ता अच्छा था, बहुत ज़्यादा खुला रास्ता मिला है, पूरा हाईवे का रास्ता था, तो कहीं भी हमें अमृतसर की गलियों से निकलना नहीं पड़ा है। तो अभी तक का जो जर्नी था बहुत ही हरा भरा निकला है, क्योंकि चारों तरफ खेत ही खेत हैं। तो इट्स अ वेरी रेयर साइट व्हेन यू ट्रैवल इन सिटीज, सो बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है चलते जाओ इस रास्ते पर। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है पेड़ों का वो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपोजिट साइड में जो पेड़ है, ये देखिए कितने सुंदर दोनों तरफ पेड़ उगा रखे हैं हाईवे के, और वो ऐसे मिल रहे हैं, एकदम छाया बना रहे हैं रास्ते के ऊपर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रास्ते पे चलना। तो जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, डेरा बाबा नानक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत अलग फीलिंग आ रही है। जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया है, एक अलग एहसास हो रहा है जैसे ही हम दोनों गुरुद्वारों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से एक डेरा बाबा नानक है और दूसरा दरबार साहिब करतारपुर है। करतारपुर रवि नदी के दूसरी तरफ है और जो डेरा बाबा नानक है वो रवि नदी के पूर्वी छोर पर है। तो हम दोनों ही गुरुद्वारों में विज़िट करेंगे। पहले हम जाएंगे डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर होते हुए फिर हम विज़िट करेंगे दरबार साहिब करतारपुर। करतारपुर साहिब जब आप जाएंगे तो उससे पहले 20-25 दिन पहले लगभग प्रोसेस शुरू हो जाता है, और आपको देखना होगा कि आपको किस दिन विज़िट करना है। वेबसाइट पे जाना होगा, प्रकाश पूरब 550 करके एक वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है जो आपको वीडियो के साथ में दिखाई दे रहा होगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा सकते हैं और वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं और कौन सी डेट्स नहीं अवेलेबल हैं। उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपनी हॉलीडेज़ को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल पासपोर्ट की वेरिफिकेशन जैसा ही प्रोसेस है। पुलिस का कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आएगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, लेकिन आपकी वेरिफिकेशन ज़रूर करके जाएगा। वीर जी, डेरा बाबा नानक किधर है? और करतारपुर कॉरिडोर इधर है? तो किधर से जाना है हमें? जहाँ करतारपुर जाना वहाँ? हाँ, यही एंट्री पे है, पाकिस्तान देखने जाना है। हाँ, करतारपुर। हाँ, यही इधर से जाना है। हम डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो गुरबानी चल रही है आपको सुन रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा है गुरबानी सुन के। यहाँ पे बसेस भी अवेलेबल हैं, जो आपको पीछे एक येलो कलर की बस दिख रही है
वो भी यहाँ से जाती है। और अगर आप अपनी यस अगर आप अपना व्हीकल लेकर आए हैं तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर डेरा बाबा से यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर का जो मेन एंट्रेंस है वो है। पहले बाबा जी को यहीं रखा हुआ था, अब इस गुरुद्वारे की रेनोवेशन हो रही है, तो आप जो ये लंगर हॉल देख रहे हैं इसके पीछे की साइड पे बाबा जी को रखा हुआ है, और फिर वापस से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा जब ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। लंगर यहाँ पे 24 घंटे चलता है, तो आप कभी भी आएँ तो लंगर खाकर ज़रूर जाएँ। बहुत अच्छे से ये लोग आपको ग्रीट करेंगे, रिसीव करेंगे और लंगर के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। हम करतारपुर साहिब जाने वाले हैं तो इसीलिए हमने सोचा है कि वहीं जाके लंगर खाते हैं आज तो। लेकिन हाँ, यहाँ से हम ज़रूर कुछ थोड़ा सा प्रसाद चखते हुए जाएंगे।